18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में पहला दिन सामान्य रहा। सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने पद की शपथ ली, पर यहाँ कुछ शपथ ग्रहण ऐसे थे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। हम कुछ महिलाओं के शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में आ गई हैं। पहले इनसे मिलिए। ये हैं समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास सांसद श्याम भवी। आप इन्हें शपथ लेते देख रहे हैं, पर गौर से देखिए, श्याम भवी जब शपथ ले रही हैं, तब ये बिना किसी पर्चे को देखे शपथ ग्रहण कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान भी है तो वहीं खुश भी। मैं श्याम भवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। कहा जाता है कि महिलाओं के पहनावे से हम उनके परिवेश के बारे में जान सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की रतलाम से बीजेपी सांसद अनीता नागर सिंह जब शपथ लेने के लिए खड़ी हुई तो हर किसी का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा। वजह थी पारंपरिक आभूषण। आप इस वीडियो में इन्हें देख सकते हैं। मैं अनीता नागर सिंह चौहान, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। भारत में संस्कृत को आजकल कोई तवज्जो नहीं देता, पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। पितम भारतस्य संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारिष्यसि, जिसे सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। अहम बांसुरी स्वराज यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्यसि। अहम् भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहितुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्षिष्यामि। बता दें कि उनकी मां और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने पहली बार सांसद चुने जाने के बाद बतौर सांसद संस्कृत भाषा में ही शपथ ग्रहण की।